चोको पाई का नाम सुनके ही मुंह में पानी आ जाता है ना। सच में सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बच्चों को तो ये बेहद पसंद होती है। तो आज हम लोग ये चोको पाई घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे, एकदम घर के सामान से, सिर्फ 5 मिनट में ही, बहुत ही आसान तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनु, आप देख रहे हैं अनुज रेसिपीज। तो चोको पाई बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी स्टफिंग बनाएंगे, यानी कि जो अंदर फिलिंग होती है ना व्हाइट कलर की, वो बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच इतना मिल्क पाउडर लिया है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब इसको हमें थिक एकदम पेस्ट की तरह बनाना है, तो इसके लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। ये मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप इसको इजीली देख सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये देखिए, इस तरीके का थिक पेस्ट मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसको हम एक तरफ रख देंगे। और इसके बाद में मैंने ये लिए हैं यहाँ पर कुछ मैरी बिस्किट, जो हम चाय के साथ खाते हैं ना, ये वही वाले बिस्किट है। अब हमें क्या करना है, एक बिस्किट इस तरीके से उठाएंगे और जो हमने अभी पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसकी एक लेयर हम इसके ऊपर लगा देंगे। फिलिंग आप अपनी पसंद से थोड़ी चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि व्हाइट चॉकलेट में आप थोड़ी सी क्रीम मिक्स करके और उसको भी आप फिलिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो चॉकलेट स्प्रेड आते हैं मार्केट में बने हुए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो ये देखिए, इसको हम इस तरीके से पतली सी लेयर इसकी बना देंगे। तो इसी तरीके से हम सभी बिस्किट्स को इस तरीके से सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी बिस्किट हमने तैयार कर लिए, इनको कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, लगभग 5-10 मिनट के लिए। यहाँ पर एक बोल में मैंने लिया है डार्क चॉकलेट। इस रेसिपी को बनाने के लिए अगर आपके पास डार्क चॉकलेट हो तो वो बेस्ट रहेगा, अगर ना हो तो आप कोई और चॉकलेट ले लें, लेकिन फिर आपको इन चोको पाई को फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो डार्क चॉकलेट होता है वो मेल्ट नहीं होता है बाहर रखने पर भी। तो इसलिए इस रेसिपी में अगर हमको डार्क चॉकलेट मिल जाता है तो वो काफ़ी बेटर है। अब इसको मेल्ट करने के लिए या तो आप ऐसा करें कि ये एक बोल मैंने लिया है, इस तरीके से बोल में आप कोई भी गर्म पानी भर लीजिए, एकदम गर्म पानी, और इस तरह से बोल को उस पर रख दीजिए। जो पानी का सरफेस है वो बोल के सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे को स्टर करते हुए हम मेल्ट कर लेंगे, या फिर आप माइक्रोवेव में 30-30 सेकेंड्स के लिए इसको अच्छे से मेल्ट कर लें। तो मैंने इसको माइक्रोवेव में 30-30 सेकेंड्स के लिए 2 बार करके मेल्ट कर लिया है। हमारे जो बिस्किट हैं वो भी फ्रिज में सेट होकर तैयार हो गए हैं। अब इस तरह से बिस्किट को उठाएंगे और ये देखिए, इस तरीके से हम चॉकलेट में इसको डिप करेंगे। फोक की सहायता से आप करेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और इसको निकाल करके, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इसको निकाल करके मैंने एक प्लेट में लगा लिया है यहाँ पर बटर पेपर। आप इसकी जगह एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है इसको करने में, उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। इस तरीके से हम इसको चॉकलेट से अच्छी तरह से चॉकलेट स्प्रेड करेंगे चारों तरफ से। चॉकलेट में अच्छे से मैंने इसको डिप कर लिया है सभी बिस्किट्स को, और यहाँ पर इस तरीके से सेट करके रख दिया है। अब हम इनको लगभग 5-7 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे, और 5-7 मिनट के बाद में हमारी जो चोको पाई है वो बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है, आप इसका टेक्स्चर भी बिल्कुल मार्केट जैसा ही आया है। ये देखिए, अब कुछ चोको पाई को मैं इस तरीके से व्हाइट चॉकलेट से इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इनको भी हम फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 2-3 मिनट के बाद में हमारी ये चोकोपाई भी फ्रिज में सेट होकर के तैयार हो गई हैं, और एकदम मार्केट जैसी चोकोपाई हमारी बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए, तैयार है हमारी बहुत ही खूबसूरत मार्केट जैसी चोकोपाई। हमने 2 तरीके से बनाई है, एकदम बिल्कुल प्लेन और एक व्हाइट चॉकलेट से गार्निश करके। तो आप भी इस चॉकलेट्स को बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको भी रेसिपी अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।